हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी विल डिस्कस इन इंग्लिश ग्रामर न्यू टॉपिक आर्टिकल। व्हाट इज आर्टिकल? व्हाट इज आर्टिकल? अगर इन वर्ड देखा जाए तो आर्टिकल क्या क्या होते हैं? ए एन ई एन एन टी एच ई द, ये तीन होते हैं जिन्हें आप आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल ही किसे बोलते हैं? ए एन द आर कॉल्ड आर्टिकल, दीज आर एडेड बिफोर नाउन। ओके, कि ए एन और जो द, ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं, तीनों जो ये वर्ड हैं, ये ए एन और द, इन्हीं को आर्टिकल बोला जाता है। और ये कहाँ होते हैं? वहाँ ये एड किए जाते हैं नाउन से पहले। कहाँ एड किए जाते हैं? बिफोर नाउन्स, नाउन से पहले यूज किया जाता है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए, देखिए, आई शील एंड आई द बाइबल, तो ये सारे आर्टिकल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। अब ओके, इतना समझ आ गया होगा यूजेस ऑफ ए एन और द। अब हम ये देखते हैं कि हम इनका यूज करते कहाँ कहाँ है, किस पर्टिकुलर बेस पे हम इनका यूज करते हैं। देखिए, ए का यूज हम कहाँ करते हैं? When a noun being with a consonant and sound, we use a a। जहाँ पर अगर देखा जाए noun का जो sound होता है ना, वो consonants में होना चाहिए। आप लोग जानते हैं vowels, हमारे जो algebra में जो होते हैं, मतलब alphabet में होते हैं, a b c d, तो हम जानते हैं हमारी जो पूरी a b c d होती है, वो vowel कौन कौन से होते हैं, consonant कौन कौन से होते हैं। फिर भी मैं दोबारा remind करा देती हूँ, a e i O, U, ये सारे हमारे क्या है? वॉवल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे अल्फाबेट में जो भी है, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो अगर इसी अकॉर्डिंग में मैंने देखेंगे कि ए हम कहाँ लगाते हैं, जहां पर किसी भी वर्ड का साउंड जो है हमें कॉन्सोनेंट सुनाई दे, ये तो हम वहां पर इसका यूज करते हैं, वी यूज अ ए। एग्जाम्पल, आप बॉय, ये हमारा वॉवल है, बी है, देखिए इसमें नहीं आ रहा है बी, ए ई आई ओ यू नहीं आ रहा ना, तो ये बी क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगा दिया। इसी तरह से आप टॉय, टी भी हमारा वॉवल्स में नहीं है, इसलिए हमने वहां पे ए लगाया है, ठीक है। अब अगर ये तो रहा हमारा यूज ए का, इसी से अपोजिट हमारा आता है आगे वाला आर्टिकल एन। एन का हम यूज क्या करते हैं? इसी से अपोजिट, यहाँ पे जैसे हम ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड में, उसी तरह से यहाँ पर हम यूज करते हैं जहां पर साउंड में वॉवल आ रहा हो, जैसे कि ए ई आई ओ यू का साउंड स्टार्टिंग में आ रहा हो। व्हेन अ नाउन बीइंग विद अ वॉवल साउंड, वी यूज एन। ओके, एग्जांपल देखिए, इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए, एन एग, अब हमने एन क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर वॉवल लगा हुआ है ई, ई हमारा ये रहा, तो इसलिए हमने बताया ना यहाँ पर वॉवल साउंड होता है, इस वजह से हम यहाँ पर एन लगाते हैं। जहां पर वॉवल साउंड नहीं होता है वहां पर हम ए लगाते हैं। इसी तरह से देखिए, एन इरेजर, तो ई इरेजर ये रहा। उसके अलावा एरोप्लेन होता, आंट होता, तो भी ए आता, तो हम एन लगाते। आइसक्रीम होता, आउल होता, अम्ब्रेला, कुछ भी हो, मतलब इन दिन अल्फाबेट से कोई भी वॉवलों से कुछ भी होता है, उसके आगे हम हमेशा एन लगाते हैं। अब देखिए आगे, दा, हम दा का यूज कहां करते हैं? इन मोस्ट केस द दा इज यूज इफ द नाउन इज प्लूरल, मोस्टली, अगर मोस्ट केसों में हम दा का यूज जब यूज करते हैं, जब जो हमारी नाउन है वो प्लूरल में हो, सिंगुलर ना हो करके प्लूरल में हो। एग्जांपल, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट, तो प्लूरल होगा तो द स्टूडेंट। द रोजेस, रोज बहुत सारे हैं, इसलिए द रोजेस। ओके, सिंगुलर में हम ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन ओनली हम कहाँ लगाएंगे? जहां पर हमारे वॉवल होंगे, वॉवल साउंड होगा, अदरवाइज कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे, और अगर वॉवल है तो एन लगाएंगे, और दा लगाएंगे जहां पर प्लूरल्स हो। अगर हम बोल दें इरेजर्स, तो यहाँ पे हमारा दा लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा भी कहाँ यूज होता है दा? दा इज यूज बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग विच इज नोन टू एवरीवन, जो कि एवरीवन का मतलब सबका बताती है, बस पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग, कोई भी चीज होती है। अब हम बोले न्यूज़पेपर,
नाम नहीं है ना, न्यूज़पेपर। अगर हम बोले न्यूज़पेपर हमने कोई भी लिया, हिंदुस्तान टाइम्स बोल दिया या अमर उजाला बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे? द अमर उजाला, द हिंदुस्तान टाइम्स। क्यों? उसने एक उसका पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर थिंग है, और हमने बोल दिया न्यूज़पेपर, तो द न्यूज़पेपर, क्योंकि वो पूरे न्यूज़पेपर को बता रहा है। तो जहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी चीज के बारे में होता है, तो वहां पर भी दाल लगाते हैं। कोई भी हमने जैसे नाम ले लिया, ताजमहल ले लिया, तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे? हम कॉन्सोनेंट तो है बट हम ए ताजमहल नहीं लिखेंगे। क्यों? ताजमहल अपने आप में एक पर्टिकुलर चीज है, उसके अलावा दूसरा कहीं नहीं है। तो इस वजह से क्या बोलेंगे? द ताजमहल, रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। तो इसी तरह से हम इन आर्टिकल का यूज करते हैं। आपको समझ आ गया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ए का यूज हम कब करते हैं? जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता है नाउन से पहले, और नाउन उससे पहले हम नाउन हमारा कॉन्सोनेंट होता है, और नाउन से पहले हम इन आर्टिकलों का यूज करते हैं। एन हमारा लगाते हैं, जहाँ पर वॉवल साउंड हो वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं, और दा का यूज हम क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ केस में जहाँ पर प्लूरल हो वहाँ पर हम दा का यूज करते हैं, या फिर पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग के लिए, जो एवरीवन के बारे में हमें बता रहा हो उसके आगे हम दा लगाते हैं। पर्टिकुलर कोई भी थिंग हो सकती है, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके बारे में बता रहा हो, कोई हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बता रहा हो, तो वहाँ पर कोई हिस्टोरिकल बुक के बारे में बता रहा हो, तो उस जगह पे हम दा का यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको आज का ये टॉपिक आर्टिकल समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।